नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार, लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो खैर नहीं। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री राजवाड़े मंच पर अधिकारियों को लतार लगाते नजर आ रही हैं। दरअसल लक्ष्मी राजवाड़े कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने ओड़गी पहुंची थी, जहां उन्होंने मंच से अधिकारियों को दो टुक शब्दों में कहा कि पिछली सरकार में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब कोई अधिकारी कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। अगर सबको लगता है कि यह मंत्री सीधी साधी है, उससे काम निकाल लेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। मेरे आने के बाद जो समस्या सुनने को मिल रहा था, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी है, यहाँ पे जनपद सीओ है, महिला बाल विकास के अधिकारी है, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप तक पहुँचे तो उनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या है उनका समाधान त्वरित होना चाहिए। अभी एक पुलिस महिला के द्वारा एक भाई का हाथ तोड़ दिया गया मार। आप सब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल किया हुआ वो आप लोग भूल जाइए, मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में। लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप ही समझ जाइएगा। एक भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं आप सभी से अनुरोध। आप सब समझते हैं कि इस बार हमारी विधायक भोली भाली है, हमारी मंत्री सीधी साधी है, इनको तो ऐसे ही करके हम काम निकाल लेंगे, लेकिन गलत फहमी में है आप सब। उठाया जाए, सभी का सम्मान करती हूँ, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं आप सभी का सम्मान करती हूँ। अगर हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँचे तो उनका समस्या त्वरित होना चाहिए, समस्या का समाधान। बस आप सभी से यही निवेदन है, आप सभी कार्यकर्ता अगर यहाँ पे इतने अच्छे तरीके स्वागत किए आप सभी, आज छोटी सी कार्यकर्ता को भटगांव विधानसभा को टिकट देके, और आज हमारे सीएम साहब अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट का दर्जा दिए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए सीआईडी न्यूज के साथ।